एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। नई दिल्ली, पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवानों के शहीद होने के बाद देश भर में आक्रोश है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने व्यापारियों ने आज देश भर में भारत व्यापार बंद की घोषणा की है। बंद का आह्वान व्यापारियों के प्रमुख संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने किया है। कैट ने बयान में कहा कि बंद के दौरान सभी थोक एवं खुदरा बाजार बंद रहेंगे। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली के घंटाघर चांदनी चौक पर दोपहर को व्यापारियों की एक श्रद्धांजलि सभा होगी, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ पाकिस्तान और चीनी सामान का पुतला जलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी शहीदों के परिवारों को मदद के लिए धन भी जुटाएंगे, जो सीधे शहीदों के परिजनों को दिया जाएगा। खंडेलवाल ने बताया कि बंद में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के व्यापारी शामिल है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।